अब आपको सीधा लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। प्रथम चरण में जिन्होंने भारी मतदान किया है और मजबूत सरकार भाजपा सरकार सुनिश्चित की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरे चरण के लिए पूरे राजस्थान ने जो कमर कसी है, आपने जो उत्साह और उमंग दिखाया है, मैं बीकानेर में इस चुनाव अभियान की मेरी आखिरी सभा में ये राजस्थान की वीर भूमि से राजस्थान के सभी मतदाताओं से, विशेषकर दूसरे चरण के मतदाताओं से आशीर्वाद मांगने आया हूं। पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाने के लिए राजस्थान दूसरे चरण में भी भारी मतदान करे, कमल खिलाए। साथियों, देश को सही दिशा देने के लिए, देश के तेज गति से विकास के लिए मजबूत सरकार बहुत जरूरी होती है। जब देश में मेरे पीछे जो नौजवान है उनसे मेरी प्रार्थना है, आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? ये बीच में जो है वो आवाज सुनाई देती है? अब पंडाल में जगह नहीं है, कृपा करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप जहां है वहां आराम से खड़े हैं तो खड़े रहिए, बैठे तो बैठे रहिए, कृपा करके हो हल्ला मत कीजिए। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, तो आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं? मैं इन बीच वालों को बोलता हूं, आप तैयार हैं? ये कैमरा जो है ना, ये जो बीच में कैमरा है, अब उनकी तस्वीरें बहुत ले ली, जरा कैमरा दूसरी तरफ ले जाओ भाई, इसको मोड़ दो। ये जब तक कैमरा है वो अपना हुजूम चलता रखेंगे। हाँ, दूर दूर ले जाओ कैमरा को। अब शांत हो गए आप? ये टोली को मैं कह रहा हूं, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन थोड़ी कृपा मुझ पर भी कीजिए भैया। अब जितना प्यार अभी बरसा रहे हो ना, 6 मई को इससे भी ज्यादा बरसा देना। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लिए जाते हैं। जब देश में मजबूत सरकार होती है तब डोकलाम जैसे संवेदनशील विषय पर हिंदुस्तान अडिगता के साथ खड़ा हो सकता है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तब दुनिया में अपनी बातों को पहुंचाता है और दुनिया भारत की बातों को गौर से सुनती है। जब मजबूत सरकार होती है तब वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा पूरा किया जाता है। जब मजबूत सरकार होती है तभी दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। साथियों, बरसों तक कांग्रेस और उसके साथी उन लोगों की संपत्तियों पर
मेहरबान रहे जो बंटवारे के समय, भारत विभाजन के समय जो लोग हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति यहां थी। आजाद भारत को उस संपत्ति को कब्जा करना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस और उसकी महामिलावटी दुनिया वोट बैंक की फिराक में ये दुश्मनों की संपत्ति को जब्त करना भी टालती रही थी। ये चौकीदार की मजबूत सरकार, ये चौकीदार की मजबूत सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून, साथियों ये आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार है, शत्रु संपत्ति कानून लागू किया और अब तक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की शत्रु संपत्ति हमने जब्त कर ली है। ये काम सन 47 में होना चाहिए था। 70 साल तक देश को मोदी का इंतजार करना पड़ा भाई। साथियों जब मजबूत सरकार होती है तब भारत का पानी भारत के ही काम आए ये प्रबंध किया जाता है, वरना कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक शासन चलाया, भारत के हक का पानी पाकिस्तान जाता रहा। हमारा बीकानेर, हमारा राजस्थान बुंद बुंद पानी के लिए तरसता रहा। मजबूत और मजबूर में केवल तय और रय का अंतर है। लगातार पीएम मोदी जब भी जनसभा करते हैं लगातार मजबूत और मजबूर सरकार की बात करते हैं। साथ में कहा है कि लगातार जब भी कांग्रेस की सरकार पहले थी तब से लेके अब तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, केवल और केवल 5 साल के अंदर मैंने उनके 55 साल के गड्ढों को भरने का काम किया है।